आज मैं फ्रेंड आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हुए हैं। अभी हम इस वीडियो में एक एक वर्ड का अंग्रेजी का हिंदी करेंगे, जिससे आपको आसानी से अंग्रेजी का हिंदी करने आएगा। और दोस्तों, आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसमें जो भी वीडियो डाले हुए हैं पहले, वो आपको बहुत अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए गुड हेल्पर। ए एक अर्थ होता है एक, गुड गुड का अर्थ होता है अच्छा, और हेल्पर हेल्पर का अर्थ होता है मददगार, यानी एक अच्छा मददगार। मैनी चिल्ड्रेन आर गुड हेल्पर्स एट होम। मैनी चिल्ड्रेन का अर्थ होता है बहुत सारे बच्चे। आर का अर्थ होता है गुड हेल्पर, यानी अच्छे मददगार होते हैं होम यानी घर पर, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो घर पर काम धंधा में हाथ बटाते, यानी अच्छे मददगार होते हैं। वन सच गुड हेल्पर इज जोसेला। वन सच का अर्थ होता है ऐसे ही एक गुड हेल्पर यानी अच्छी मददगार जोसेला थी। जोसेला इज एन ग्रेड टू लाइक यू। जोसेला ग्रेड टू में पढ़ती थी, जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह से जोसेला भी ग्रेड टू में पढ़ती थी। लाइक यू का अर्थ होता है आपके जैसे। इन का अर्थ होता है मैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले। सी गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में स्कूल जाने से पहले। सी डज मेनी थिंग्स टू हेल्प हर मदर। वह करती है, डज का अर्थ होता है करना, मैनी थिंग्स का अर्थ होता है बहुत सारे काम, टू हेल्प हर मदर यानी अपने माँ को बहुत सारे कामों में हेल्प करती है। हेल्प का अर्थ होता है मदद करती है अपनी माँ को। हर का अर्थ होता है अपने या उसके। सी फिक्स हर बेड। सी फिक्स, वो ठीक करती है हर बेड, अपने बेड को यानी अपना जो उसका बेड है, बिछावन है, उसको वो ठीक करती है। सी बाइज ब्रेड फ्रॉम द स्टोर। सी बाइज, वो खरीदती है रोटी फ्रॉम द स्टोर, यानी स्टोर जो होता है वहां से वो रोटी भी खरीद के लाती है। सी सेट्स द टेबल फॉर ब्रेकफास्ट। सी सेट्स, वो सेट करती है टेबल को ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का अर्थ होता है नाश्ता, यानी वो नाश्ता के लिए टेबल को वो सेट भी करती है। After coming from school, after coming यानी आने के बाद, from का अर्थ होता है से, school यानी विद्यालय से आने के बाद, she takes care of her baby brother यानी विद्यालय से जब वो आती है उसके बाद अपना जो छोटा भाई है, छोटा बच्चा, उस पर वो ध्यान भी देती है। she waters the plant from the garden, वो गार्डन में जो प्लांट होते हैं यानी जो पौधे होते हैं उसमें वो पानी भी पटाती है। वाटर्स का अर्थ होता है पानी पटाना, यानी गार्डन में वो पानी भी पटाती है। देन सी स्टडीज हर लेसन, उसके बाद वह अपना अध्ययन यानी वो जो पार्ट है उसको वो याद भी करती है, उसका वो अध्ययन भी करती है। तो फ्रेंड, आपको अच्छे से अंग्रेजी आपको समझ में आया होगा ये क्या लिखा हुआ है, और आप हमारे पिछले वीडियोस जो भी डाला हुआ है उसको आप देख के आप आसानी से आप अंग्रेजी में आप सीख सकते हैं अंग्रेजी पढ़।